कुन्ना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन जुहफा फखरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल अलस्तुम तशहदून अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्नी रसूलुल्लाह व अन हादा कुरान जaa मिन इंदिल्लाह कुल्ला बल क़ाल fa inna hadha alquran tarafuhu bi yadillahi wa tarafuhu bi aydikum fatamsaku bihi fa innakum lan tahliku wa lan tazillu ba'dahu abada rawahu at-tabrani fi al-mujam as-saghir हजरत इमाम तबरानी सही से बात वैसे बोले में सही कहता है रिवायत पूरी डिफर कर दी हजरत जुबैर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकामी जुहफा में थे, आप हमारी तरफ तशरीफ लाए। फखरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आए। आपने तमाम सहाबा से ये पूछा अलस्तु तशहदून ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं, वो तन्हा है, और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और ये कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है। इन तीनों बातों का इकरार करते हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, एक दूसरे मैं अल्लाह का रसूल, दो और ये कुरान अल्लाह की तरफ से आया है। इन तीनों बातों का इकरार करते हो, गवाही देते हो। कुलना तमाम साहब इकराम ने कहा भला तुम ही अल्लाह के रसूल, हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं और कुरान अल्लाह की तरफ से आया है। अब आप फरमा रहे हैं सुनो, और वइन्ना हादा कुरान तरफू बियदिल्लाहि व तरफू बियदीकुम, ये कुरान इसके दो सिरे हैं, एक सिरा तुम्हारी तरफ और एक सिरा अल्लाह की तरफ। उस सिरे को अल्लाह ने पकड़ रखा है और तुम्हारी तरफ जो सिरा है उसको तुम पकड़ लो। फइन्ना हादा कुरान तरफू बियदिल्लाह, उसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में, व तरफू बियदीकुम, और दूसरा किनारा तुम्हारी साइड में है, तो फतमस्सकू बिही, तो अब तुम उसको मजबूती से पकड़ लो। अब गोया कुरान हकीम ने हमारा बराह रास्त ताल्लुक कायम कर दिया अल्लाह तआला से, देखा ये कनेक्शन कायम हो गया। अन हादा कुरान तरफू बियदिल्लाह, एक किनारा अल्लाह ने पकड़ रखा है, व तरफू बियदीकुम, दूसरा किनारा तुम्हारी साइड में, उसे तुम मजबूती से पकड़ लो। हीटर क्या है? हीटर, हीटर लोहे का एक टुकड़ा होता है, किसी बच्चे के हाथ में दे लो लेकर खेलेगा, लेकिन लोहे के उस टुकड़े को जरा अलग से मुंसलिक कर दीजिए, तो बिजली से मुंसलिक कर दीजिए ना, जब तक इस हीटर का, इस लोहे के टुकड़े का ताल्लुक बिजली से कायम नहीं था, तब तक एक बच्चा उसे अपने हाथों में लेकर खेल सकता था। लेकिन अब उस टुकड़े का ताल्लुक बिजली से कायम हो गया, बच्चा तो क्या हाथी भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए कि उसका ताल्लुक एक ताकतवर शय से कायम हो गया। सारी मुसीबत यह है, हमारा ताल्लुक कुरान हकीम से कट चुका है, अल्लाह ने अपना किनारा पकड़ रखा है, लेकिन हमने हमारी साइड, हमारी तरफ जो किनारा उसको हमने छोड़ दिया। जाहिर है कि हमारा ताल्लुक अब उस असीम और ताकतवर हस्ती से कट गया है। बच्चा भी खेल ये जीवन में तो समझा, अब हमें फिलिस्तीन पर रोना रहा नहीं है, अब इराक के ऊपर रोने गाने की जरूरत नहीं है, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, ये मुसीबत है, ये मुसीबत है, ये इराक है। अब कहां कहां है ये है असल मसला। अन हादा कुरान फइन हादा कुरान तरफू बियदिल्लाह व तरफू बियदीकुम फतमस्सकू बिही, खुद से पकड़ो, तुम्हारा रब अल्लाह से कायम हो गया। तो अगर ये रब कायम हो गया तो तुम्हारा ज़ाहिरी दुश्मन यानी इंसान, इस्लाम का दुश्मन जो तुम्हें हलाक करने पर तुला हुआ है, फ़इन्नकुम लन तहलिकू, ये तुम्हारा ज़ाहिरी दुश्मन तुम्हें हलाक नहीं कर सकता, और तुम्हारा बातिनी दुश्मन शैतान जिसका काम है गुमराह करना, वलन तज़िल्लू बअदहू अबदा, तो ना ज़ाहिरी दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, बातिनी दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। शैतान का तुम जानते हैं सबसे बड़ा काम क्या है, इसने बताया वाला उन्हें पांचवा पारा खोलो, सबसे पहली जो कोशिश है उसकी वजह ये है क्या, मैं गुमराह यानी जाना है मुंबई उसको उठा दूंगा हैदराबाद की गाड़ी, यह है रास्ते को गुम हो जाए। कहीं जाना था और आप कहीं जा रहे हैं, यह बड़ा ये गुम कर देना राह को, आपका जो रास्ता है मंजिल की तरफ जाने वाला वो आप गुम कर चुके हैं, उसको कहते हैं गुमराह। जाना कहीं ना जाएगा, इसको कहते हैं दलालत। और शैतान की पूरी कोशिश यह है कि इंसान को दलालत में मुब्तला कर दे, और हमारे जाहिरी दुश्मन की कोशिश है कि हमें हलाकत में मुब्तला कर दे। वादा किया गया कि पकड़ लो कुरान हकीम को मजबूती से जो तुम्हारी तरफ सीधा है, तो वादा करते हैं कभी नहीं, दुनिया के जितने भी इंसान हैं तुम्हारे मुखालिफ ये तुम्हें हलाक नहीं कर सकते, और शैतान जो तुम्हें ज़लालत में मुब्तला करना चाहे वो भी दोनों चैलेंजेस का सामना आपने कर लिया। आपका ये पहला मरहला कामयाब तो बोला, इस पहले मरहले में कामयाब होने के लिए और हमारे हकीम से वाबस्ता भी जरूरी है। एक नुकता बताता हूँ, कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल दावा लाया करेंगे, आमतौर पर तर्जुमा गलत करता है मौलवी शायद कहीं, क्या बोलता है वकाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ा कुरान महजूरा। रसूल दावा करेंगे, मुद्दा है कौन, हम लोग, और इसके ताल्लुक से दावा करेंगे कुरान के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से दावादारी किया जाएगा। दावादारी करने वाला कौन, अल्लाह का रसूल, और मुद्दा है कौन, हम लोग। और अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कि बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को महजूर बना दिया। तर्जुमा क्या करते हैं, कुरान को छोड़ दिया था तर्जुमा नहीं होता उसका, महजूर ये इसमें मफूल है, बैकडेंट के माने होता है, यानी छोड़ा हुआ। छोड़े का मतलब एक हद तक आप उससे जुड़े हुए हैं, मगर उस जुड़ने का कोई मतलब नहीं। देखो रेलवे ट्रैक के किनारे कभी कभी कोई घर ऐसा बना हुआ होता है जो मुकाबले इस्तेमाल नहीं रहता या जुज़वी इस्तेमाल उसका होता है, तो उसको ऊपर लिख दिया जाता है अबैंडन्ड, ऐसा वेरी अबैंडन्ड में तो जो महजूर होता है। मुसलमानों का ताल्लुक कुरान हकीम से उसी महजूरी का है। और मशहूर फलसफी अल्लामा इकबाल ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहता है ख़ार अस महजूरी कुरान शरीफ, ख़ार अस महजूरी कुरान शरीफ शिवसनी का निषेध और शरीफ ए जो शबनम बरज़मी मुफ्तन दही दर बलदारी किताब ज़िंदगी। वो बोलता है कि तू कुरान को महजूर करने की वजह से जलील ख़्वाब, और अब जमाने की शिकायत का पता है अरे वो कौम जो शबनम की तरह जमीन के ऊपर पड़ी हुई है और अज्ञान से बेदर्दी से अपने पांव गले रोक रहे हैं। उसकी बात और हैरत की बात यह है कि उसकी बगल में जिंदा किताब, और जाहिर है कि जिंदा किताब उसके पास है, लेकिन उसका ताल्लुक कुरान हकीम से बराए नाम है। सिर्फ इतना कि कोई मरने लगे तो उसके सिरहाने सूरह यासीन पढ़ दो ताकि मरने वाला आसानी से मर जाए, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। अल्लाह ने कुरान हकीम के बारे में कहा कि मैंने हमारे हबीब आपकी तरफ रूह वही की है, कुरान हकीम रूह, ये तो मुर्दों को जिंदगी देता है, ये मुसलमान जिंदा को मारने के लिए पड़ता है। अल्लाह ने पाक ने कहा या तशराकारी हुसैन इस यासीन तू असबीरी, अल्लाह की आयत से बस तेरा इतना ही ताल्लुक रह गया है कि कोई मरने लगे तो उसके सिरहाने बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करे ताकि आसानी से बच जाए। कितनी हैरत की बात है, इस कौम का क्या होने वाला है अंदाजा लगाना नहीं। तो गोया इस पहले मरहले में हमें दो चैलेंजेस का सामना करना है। दो चैलेंजेस का सामना हम इस वक्त कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं जब कुरान हकीम से हम वाबस्ता हो जाए। दूसरा मरहला मौत के बाद, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है मौत का। सारा मामला खत्म नहीं होता। ये तो एक बक्सा है, शायद वो तो जगह है। मौत एक जिंदगी का बक्सा है, यानी आगे चलेंगे तब देखा, यानी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है। मौत एक जिंदगी का बक्सा है, यानी आगे चलेंगे तब देखा। और एक बात कहा, मौत को समझा है जिंदगी है, ये शाम में जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। यहाँ आरजी जिंदगी की शाम होती है और वहीं से अवधि जिंदगी की सुबह का सूरज गुल होता है। मौत की सरहद पर सारा मामला खत्म नहीं होता, असल मामला तो वहीं शुरू होता है। अब मौत से लेकर के उठाए जाने तक का जो दौरानिया है, मौत से लेकर उठाए जाने तक ये जो दौरानिया है बीच का, इसे बरसर कहा जाता है। ये दूसरा हिस्सा अल्लाह ने फरमाया वमिन वराइम बरसखुन इला यौमिल बअस। अरबी में मिन आता है अंग्रेजी में फ्रॉम की तरह, और अरबी में इला आता है अंग्रेजी में टू की तरह। अब देखिए वमिन वराइम मिन भी है, मौत से उनके पीछे से कहां तक, इला यौमिल बअस टू उठाए जाने तक। ये जो दौरानिया है ये बरसख है। वमिन वराइम बरसखुन इला यौमिल बअस एक अनसीन बैरिकेड है, एक अनसीन बैरियर है जो उसका एक सिरा दुनिया से मिला हुआ है और दूसरा सिरा आखिरत से मिला हुआ है। और ये बड़ा अजीबोगरीब मरहला है, बड़ा अजीबोगरीब मरहला है। हदीस वहानी मौला उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कान उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ा वक़फ़ अला क़ब्री यबकी हत्ता यबुल्ल लिह्यतहू फ़क़ील लहू तुस्करू الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه رواه ابن ماجه في كتاب الزهد। هذا الإمام ابن ماجه رحمه الله से पाक वैसे किताब जोहद के अंदर इब्न माजा के अंदर लाया। रावी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आजाद का बवरा हजरत हानी है। वो फरमाते हैं कि हजरत उस्मान कितना बड़ा आदमी है, अरे वाह कितना बड़ा आदमी है। ये लोग सिर की गिरा में पड़ी है, अंदाजा लगाया है इतना पैसा होना आसान नहीं है, दिल होना। कितने लोग हैं जो करोड़ों रुपए के ऊपर सांप बनकर बैठे हुए अल्लाह की राह में रुपया निकालना तकलीफ का बाइस पैसे बहुत है, लेकिन पैसे को जुदा करना ये उनके नफ्स के ऊपर बड़ा शाह। ये इतना बड़ा दिल भी और पैसा भी है, लेकिन आमतौर पर जब पैसा आता है तो आदमी तकलीफ सब हो जाए। आलम यह है कि जब कब्र के पास से गुजरते खड़े हो वक़्फ़ तवक़्फ़ुफ़ करते वहां और सारों कतार होते, जबकि सारों कतार होते यहां तक के उनकी दाढ़ी पर होता है। हत्ता यकुल लहयतहू यहां तक कि वो अपने दाढ़ी को तर कर लेते थे, दाढ़ी की जद होते होते। अब पूछा गया उसका वो जन्नत और नार, जन्नत का तस्करा आता है, जहन्नम का तस्करा आता है। जन्नत का तस्करा आता तो नहीं होते या जहन्नम का तस्करा आता है तो नहीं होते या वला तक वो तब भी रहा था। जब किसी तौर पर देखते हैं तो आप साहब बता रहे हैं क्या बात है। हजरत उस्मान ने फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाते सुना है इन्नल कब्र अव्वल मनाज़िल आखिरा। ये कब्र ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन नजातु यहां जो कामयाब हो गया फमाबा तो वही सर उसके बाद तुम्हारा हिदासा वइल्लम यंजुबिलू यहां अगर फेल हो गया वो फमाबा तो अशद्दु मिनू तो बाद के बराए बड़े शदीद आने वाले। उसके बाद आखिरी टुकड़ा वो फरमाते कि नबी ने ये फरमाया मा रअयतु मंज़रन कत्तु इल्ला वक़ब्रु सौर। मैंने कब्र से ज्यादा भयानक हॉरिबल मंजर कोई नहीं देखा। दुनिया में जितने खौफनाक मनाजिर हो सकते हैं उनमें से कोई मंजर कब्र के मंजर का मुकाबला नहीं कर सकता। नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया मा रअयतु मंजरन कत्तु इल्ला वक़ब्रु अफ़ज़ल द मोस्ट हॉरिबल अफ़ज़ल मिनहू बहुत ही ज्यादा भयानक। ये उससे ज्यादा भयानक किसी सीन का किसी मंजर का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैं जब किसी कब्र के पास आता हूं तो मेरे ऊपर ये कैफियत लाइव हो जाती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और आंसू बेइख्तियार मेरी आंखों से जाती है। दूसरा बात है यहां कामयाब हो जाता है। खरजना मार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाज़े में रजुलिन अनसा फंतहयना इला अलकब्र बल बजुलहा फजलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा हवल कान माला उसना पल वफी यदि उदुन यरकुद भी बिल फरफरा सुफात इस्ताइनु बिल्लाहि मिन अलाल खबर मरतै होता साहब की हदीस जरीर बिन हामना वक़ाल व इन्नहु ला यस्मउ क़रअन आलिहि हिन क़ाल लहु या हादा मर रब्बुकुम मा दीनुकुम मा नबीयु क़रअन तक़ाल व याति बलका फयजलिसानि फयक़ूलान लहु मर रब्बुक फयक़ूल रब्बिय अल्लाह फयक़ूलान लहु मा दीनुक फयक़ूल दीनिय इस्लाम फयक़ूलान मा हादा रजुल लदी बुइसा बिकुम क़ाल फयक़ूल हुवा रसूलुल्लाह फयक़ूलान मा युरिद फयक़ूल क़रअन हम उस अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। जब पहुंचे पाकिस्तान में तो लोग कब्र बना रहे हैं। आपने पूछा कब्र रेडी तैयार नहीं? अल्लाह के रसूल अभी लहर नहीं बनाई गई, वरना मजूर रहा अभी लहर नहीं बनाई गई। फिर ज्यादा समझ ठीक है, आप बैठे। साहब क्या फरमाते हैं? हम भी आपके इर्द गिर्द जलस हम आप बैठ गए तो आपके इर्द गिर्द हम बैठ गए। बैठ के कहा का अन्नमा अला रुसूलिना कोई गोया कि हमारे सरों के ऊपर चिड़िया बैठी हुई। कब्रिस्तान का इतना अदब और वहां पहुंचने के बाद एक खास खौफ का तारी हो जाना। आज कब्रिस्तान में आदमी पहुंचता है, वहां भी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता। लान झूठे नहीं खाओ, तुम्हें और क्या मिलेगा? क्या मिलने वाला है? वहां पहुंचने के बाद भी एक मंजर तुम्हारे सामने है, उस मंजर को देखकर कोई इबरत हासिल नहीं। कब्र देखा कब्र कैसी होती है? खड़ा कर दो उसको। और लहर लहर की भी शक्ल कैसी होती है? किनारे जो बनाई जाती है बकरी कैसी होती है? दरवाजे की तरह खुला दरवाजा। कब्र को थोड़ा खड़ा कर दो क्योंकि दरवाजे की शक्ल दहलीज है, सब कुछ है दरवाजा। यानी एक इबरत की जगह है कि इस दरवाजे से दाखिल होकर के आपको बरसत में चला गया है। अब दुनिया से उसका ये दरवाजा वलम्मा युलहद इबरत आदमी का रोमा रोमा साथ जाना चाहिए, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता। आज जितने लिखा है पूरा हम लोग बैठे और इस तरह बैठे हैं, इतना खामोश है कि जैसे हमारे सरों के ऊपर चिड़िया बैठी हिले चिड़िया उड़ी हिल नहीं रहे घर के बारे। और नबी कहा नबी तो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, बहुत ज्यादा मुत्तकी होता है और बहुत ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। आपके गुनाह अगले पिछले सब माफ कर दिए गए, लेकिन आपका हाल ये वफी यदि आपके हाथ में एक तिन का है और आप तिनके से जमीन को पूरे हुए। ये कैफियत और ये आयत कज़ाइया बता रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस मंजर की कैफियत सबसे ज्यादा असरदार है। आपके हाथ में तिनका है, तिनके से जमीन को पूरे हुए। तिनके से जमीन को पूरेदना दलील है कि आप किसी गहरी सोच में हैं, किसी गहरी सोच में। अगर इस तस्वुर को फैला दिया जाए आदमी बेहोश हो जाएगा। अचानक आपने कसम उठाया फारा सा सर झुका फारा सा आपने कसम उठाया फारिश तईद बिल्लाह तआला के कब अदाब कब से अल्लाह की पनाह चाहो और तय हो करत आप दो बार पढ़ाए तीन बार और आप निशान फरमाया तो यह क्या होता है? फरमाया यहाँ जैसे ही लोग वापस होते हैं तो मुर्दे को उनके चप्पलों की आवाज, उनके जूतों की आवाज सुना दी जाती है। सुनते नहीं, सुना दी जाती है। ये सिर्फ उस वक्त की बात है ताकि उसे मालूम हो कि जिंदगी भर जिनके साथ तू वफा करता रहा, देख कोई भी तेरे साथ जाने वाला नहीं, सब तुझे इस शहरे खामोशा में तन्हा बे यारों में छोड़ जा रहे हैं। सुन ले, यारों ने इससे इबरत हासिल करने के बजाय एक नया मसला निकालते हैं। सुनते हैं तो माँ को देते हैं। ये अद्वितीय बेची के बताया जा रहा है कि इबरत है, सुना दिया जाता है। यारों ने इस मसले पे दूसरा रूप दे दिया है। वही लोग नया समूह करा रहे हैं। तो बताओ क्या कि क्या कब्रिस्तान में आदमी जूते पहन कर जा सकता है? जा सकता है। इसलिए कि अगर जूते पहन कर ना जाता तो फिर उसके जूतों की आवाज मुझे जो सुनने का क्या मतलब? लेकिन एक हदीस से इसका तारुज है। एक आदमी कब्रों के बीच से जूता पहनने चला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, ए बिस्ती सिफ्ती सिफ्ती सिफ्त एक बाल वाले जूते को बोलते हैं। सिफ्ती जूता पहन करके बाल वाले जूता पहन करके कब्रों के दरमियान से उतारा। आपने फरमाया जूते उतार दे। इससे पता चला कि जूते पहनकर कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। नहीं दोनों हदीसों में कोई तारुज नहीं। दरअसल कब्रिस्तान में जो रास्ता बना रहता है आप लोग पर चलने का, वहाँ आप जूते पहनकर जा सकते हैं। लेकिन जहाँ कब्रें बनी हैं जो रास्ता नहीं है वहाँ जूते पहनकर चलना दुरुस्त नहीं है। इस तरह दोनों हदीसों में तकलीफ हो जाती है। अब वही नहुल यस्मऊ कराने आलिम वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है जब वो लोग बजट नहीं था बदल वही आती है मलका वो फरिश्ता है मजलिस और वह मजलिसा नहीं और सवाल कर रहे हैं। फयकुलानी लहू मर रब्बु अगर मोमिन है मैं तो रब्बी अल्लाह। फयकुलानी लहू मा दीन तेरा दीन क्या? दीन इस्लाम। और फिर पूछा जाता है मा हादा रजुल लजी बुइस फिकुम इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम्हारे घर में भेजा गया? लोग यार ने यहाँ एक और नया मसला निकाला कि हादा से जो इशारा होता है वो इशारा हिस्सी होता है। ये मसलन ये लाउड स्पीकर है तो मैं कहता हूँ ये लाउड स्पीकर और अगर ये सामने ना हो तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं। इसलिए कि हाका के जरिए इशारा इससे हो रहा है। तो यह इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। उस मुर्दे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाता है। ये इस्तिदलाल किया जा रहा है जबकि जवाब दे दिए। अगर हाका से इशारा हो तो जवाब दारिका से आना चाहिए। इसलिए कि हाका इसमें इशारा करीब के लिए और दारिका इसमें इशारा करीब। अगर हाका से इशारा हो तो जवाब सारिका से होना चाहिए। लेकिन यहाँ जवाब हुआ से भी आ जा रहा है जो तबीर गायब है। इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया नहीं जाता बल्कि हाका से इशारा उस जहन की तरफ है कि जहन में उसके मौजूद है कि तुम्हारे करने का भेजा गया वरना दारिका से उसका जवाब दिया जाता जबकि जवाब हुआ जमीन गायब से दिया गया। इसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया नहीं जाता। इसलिए क्या अगर दिखाया जाता तो वो बोलता दारिका रसूलुल्लाह वो अल्लाह के रसूल है। ये नहीं कहता हुआ रसूलुल्लाह। इसलिए कि हुआ जमीन गायब है। यहाँ हुआ कहने का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई देते रहे। ये अकीदे का मसला है, इसको ध्यान में रखा जाए। अब तीनों सवालों के जवाब दे लिए फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि इस मरहले में तुमने कामयाबी हासिल कर ली है कैसे? इन तीनों सवालों के जवाब कैसे मालूम हुए? अब जवाब देता है सयकूल करा कुरान आमनतु बिही व सद्दतु। अब कुरान पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। पता ही चला कि इस दूसरे मरहले में भी कामयाब होने के लिए कुरान हकीम से वाबस्ता की जरूरी है। इसलिए कि सवाल के जवाब में वो ये कहता है कनातु किताबुल्लाह मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी कुरान हकीम से मैं जुड़ा हुआ था इस वजह से मैं इस दौरान में कामयाब हुआ और इस वजह से पता ये चला कि पहले मरहले में कामयाब होने के लिए कुरान से वाबस्ता की जरूरी दूसरा मरहला तो बढ़ सकता है उसमें भी कामयाब होने के लिए कुरान से वाबस्ता जरूरी तीसरा मरहला है खौफ का आदमी ये शाप निकल जाएगा आदमी का मारे डर के पेशाब का पेशाब भी खत्म हो जाएगा खून के पेशाब करेगा डर के मारे क्या हाल होगा ये देखते हैं। हदीस बार हदीस में हाथ में रसूल अल्लाह ताला ने कहा बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिनकुम अहद इल्ला सयकल्लिबु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान वला फयंसुरु अयमनहु फला जरा मतलब वयंसुर अशअम मिनहु फला जरा इल्ला मा कद्दम फयंसुर बैन यदैहि फला जरा इल्ला तारकल कब्र फतकुन नार व बिशद्दि दबरति रवाह बुखारी की किताब तौहीद। हजरत इमाम बुखारी की पूरी हदीस को ऐसे किताब तौहीद के अंदर है जो आखिरी चैप्टर है बुखारी का। हजरत अली बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है हजरत अली फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कोई भी ऐसा नहीं हर एक को अल्लाह के सामने खड़ा होगा और भाई का कोई और तर्जुमान, कोई वकील नहीं, कोई तर्जुमान नहीं, सवाल करने वाला अल्लाह, जवाब देने वाला अल्लाह, लेकिन सभी का कोई और तर्जुमान। अब सवालात हो रहे हैं, अब सवालात में घबराहट देखो, अब वो देख रहा है कोई बचाने वाला आ जाए, वयंसुरु अयमन, दाहिने जाने देखता है कोई बचाने वाला, फला यरा इल्ला मा कद्दम मिन बली, सिर्फ अपने भेद के आगे देखता है। ये हमारे इतने पूरे में कुछ नहीं कर सकते, तो भाई जाते हैं रसूल अशमत भाई जाते देखता है फला यरा इल्ला मा कद्दम, हमें अपने पूरे आप देखता है हत्या वयन शुरू पर ही नहीं देखता, ये अपने सामने देखता है फला यरा इल्ला दारा के अपने सामने आगे जाकर दाएं उसके अमाल बाएं उसके अमाल और आगे तिलका वजी उसके सामने जहन्नम की आग है। अब बच्चे को कैसे बचे, बचने का तरीका वहां कोई सिफारिशी आ जाए और ऐसा सिफारिशी आ जाए कि इसकी सिफारिश अल्लाह ताला ही ना कबूल जरूर करे, ऐसा सिफारिशी ही बनावा ऐरा गैरा सिफारिशी तो चलने वाला ही नहीं, वहां ऐसा सिफारिशी होना जिसकी सिफारिश अल्लाह कभी ही ना करे। कौन सा सिफारिशी है आइए देखिए, जैसे इमाम इब्न सुब्हानल्लाह ने कुरान में हदीस मतलब बाही रजी अल्लाह ताला ने कहा समी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, इक़राउ ज़ाहबैन फ़इन्नहुमा यातियान यौमल क़ियामति, इक़राउ ज़ाहबैन अल बक़रा व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा यातियान यौमल क़ियामति कान क़ौमा इस बात की दलील कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहना चाहते हैं। हजरत अबू मूसा करीम ताकि अल्लाह के रसूल अब मुस्कुरा रहे मेरे मां-बाप पर रुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के निवाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पा रहा काश कि मुझे देख लेता जब मैं तेरी गली के अंदर गुज़श्ता रात तेरी तरफ सुन रहा था वाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पा रहा। और आपने उनकी तारीफ करते हुए कहा लक़द क़ूती का मिस्मार भी मसाबिर आएगा और तुमको हजरत दाऊद के हाल की बांसुरियों में से बांसुरी दी गई। पता ये चला तो कुरान हकीम बिल्कुल ऐसे पढ़ा जाए बांसुरी बजती है और जैसे उसकी आवाज दिल की गहराइयों में उतरती चली जाती है। कुरान हकीम के पढ़ने की स्टाइल बताई गई कि कुरान हकीम पढ़ा कैसे जाए। तो नक़ाली हो रही है पढ़ा की नक़ाली की नक़ाली की नक़ाली मिज़मार मिज़मार की बांसुरी फ्लूट फ्लूट बांसुरी बिल्कुल मिज़मार का फ्लूट को जितनी जो स्टाइल है उस स्टाइल में कुरान हकीम पढ़ा है। लक़द क़ूती का मिज़मार मिन मज़ामिर है क्या पढ़ते हो हमारी आवाज बांसुरी की आवाज है। दाऊद अलैहिस्सलाम की बांसुरी में से एक बांसुरी दे दी है तारीफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तहसीन शौक के बारे में ये आवाज की खूबसूरती के बारे में। इसका मतलब कुरान कोई अच्छा पढ़े तारीफ करते तहसीन जरूरी है। कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है तहसीन शौक की बात है और इमाम मुस्लिम के बाप की बात है तहसीन शौक का तहसीन शौक का बाप की बात है। मजलिसें कैसी होती है आइए एक मजलिस देख लेते हैं। नबी हदीस वन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قلت يا رسول الله اقرأ ولي قال انزل قرأ فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية فكيف يأتينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الله صدقت اليك إلا إله التفريقان رواه البخاري في كتاب التفسير हर इमाम बुखारी से कब बुखारी शरीफ का तफसीर कर रहे हैं रात जैसे मालूम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि साहब इकराम बैठे हुए मजलिस जमी हुई अचानक आपने मुझे मुखातिब करके फरमाया इब्न मसूद पढ़ा इकरा कुरान सुना मुझे सुनाओ मुझे और लोग कहे मुझे सुनाओ तुम इकरा अलैना ने अलैना किया मुझे सुनाओ। इन्होंने है से कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपको कुरान सुना अकरा वाली पाने को मुझसे कुरान तो आपको ना सुना मैं आपको सुनाऊं ताकि जी चाहता है महबूब का कलाम मेरे मुंह से सुन। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं कासमा ये पढ़ रहे फिर इजा पढ़ते 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 इशा के करीमा में पहुंचे हत्ता इला हदन इला हादिया है जब इस आयत में पहुंचा फिर फकीह इला जीना के मुल्ले में भी शहीद में जिक्र कर रहा है और शहीदा तमाम उम्मतियों के नबी और उनकी उम्मत आ जाएगा। सवाल जवाब आता है गवाही देने के लिए आपको बुलाया जाएगा आपको उम्मतों को बुलाया जाएगा। जब आयत करीमा आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रहने दो हस्बुकल आन रहन मतलब रसूल कहते हैं तो सच का तो पार पड़ा आपकी आवाज भीगी हुई आंसू में जब मैंने निगाह उठाई तो लफत चुली जब मैंने आपकी तरफ निगाह उठाई तो मेरा कलेजा कांप गया। वही आईना हूं तो इंसान मैंने देखा कि आपका गुस्सा मुबारक पूरा महसूस किया हुआ। ये कुरान की मैंने ये कुरान है जिन्हें हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है से पढ़ने का अंदाज वो जिसको खुद को हमने अपने रब को याद किया। जाहिर है कि इस किताब अजीज से हमारा रास्ता कटे सारी मुसीबतों की जड़ यही है। कुरान हकीम को छोड़ देना महजूर बना देना बराए नाम उससे ताल्लुक हमारा रहना यही तमाम मुसीबतों की जड़ तमाम मुसीबतों की जड़। बड़ी अजीब गरीब किताब बड़ी अजीब गरीब हम दूसरे उलूम को हासिल करते इसके बारे में फरमाया गया है इसमें इल्मुल अकली और आखिरी बन गए सुजाज ने जाने जो कुरान को बताया कि लफ्ज कुरान कारा से है और कारा अरब शब्द होता है जब हौज को जहां उनको पानी पिलाता है जब हौज को पानी से भर दे तो बोलता है कारातुल हौज मैंने हौज को पानी से भर दिया। इसका मतलब क्या है कि कुरान के अंदर इल्मुल अकली और आखिरी बन गए। जब से दुनिया बनी है तब तक के सारे अच्छे उलूम इस किताब अजीज के अंदर मौजूद है। मैं नहीं कह रहा लोगत कह रही चलिए एक हदीस से प्रूव कर लेते हैं इस मौजूद को हदीस और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मन अरादा इल्म फयसम्मी कुरान फइन फी इल्म अवलिन वल आखिर रवाह तबारानी फी मुजम अल कबीर हजरत इमाम तबारानी से इस बात में से मुजम अल कबीर कहता है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बात इल्म है इल्म हकीकी इल्म वाला हो जाऊं। इल्म का इरादा करे उसे चाहिए कि कुरान में तस्वीर करे सब कुर्सी बनाने का तरीका क्या है? टाइप करो, कुरान हकीम से पूछ रहे हैं कुर्सी बनाने का तरीका बताओ, कुरान से पूछ रहे हैं। जवाब क्वेश्चन नॉट एक्सेप्टेड, क्वेश्चन नॉट एक्सेप्टेड, इसलिए कि ये कुर्सी बनाने का तरीका ऑलरेडी फीड है और इसी तरीके से इंस्टॉल है आपके दिमाग में। तुम मुझसे भी पूछ रहे हो, मैं तुम तमाम मसाइल से बहस करता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल नहीं है, लिहाजा तुम्हारे क्वेश्चन नॉट एक्सेप्टेड है। ये मामला है राजौरी, मामला है पुराने दिन का। उन तमाम मसाइल से बहस करता है जो मौत तक पेश आने वाले हैं और उन मसाइल से जो इंसान के जहन में ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है और ऑलरेडी फीडेड है। ये कुरान हकीम के ताल्लुक से चंद अहम और ज़रूरी बातें थी बयान की, और आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है उन तमाम सवालों के जवाब इस तकरीर में मिले हैं। और ये भी पता चल गया कि इन तमाम परेशानियों का हल क्या है, कैसे सॉल्व करें, हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों है, इलाज क्या है। सवाल भी मौजूद है, जवाब भी मौजूद है। अब जिसको इस सवाल का जवाब चाहिए, ये तमाम चीज अपने जगह पर सवाल का जवाब है। अल्लाह मेरी मदद कर, अच्छी मदद कर, बता हमारे नाम का अल्लाह हुआ नस्ताइन हुआ नस्त لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.